हेलो दोस्तों, उम्मीद है आप सब लोग बढ़िया होंगे। आपने ये तो ज़रूर सुना होगा, फिल्म स्टार्स कैसे कुछ ही दिनों में अपनी बॉडी को मोटे से पतला या पतले से मोटा कर लेते हैं। जी हाँ, इसके पीछे डेडिकेशन तो एक वजह ज़रूर है, पर इसके पीछे एक मेन वजह है नॉलेज। हमें ये पता है 1 kg रिड्यूस या गेन करने के लिए हमें 770 कैलोरीज ज़्यादा या कम करनी होंगी अपनी डाइट में। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ाते हुए आज हम सीखेंगे कैसे खुद अपने लिए एक डाइट प्लान को कैसे बनाया जाए, जिससे कि हम अपना कोई भी गोल वेट रिड्यूस करना या वेट गेन करना इजी बना सकें। दोस्तों, अपने खुद के लिए एक डाइट प्लान बनाने के लिए सबसे पहला स्टेप होता है अपना BMR कैलकुलेट करना, बेसल मेटाबॉलिक रेट। बेसिकली ये और कुछ नहीं, ये एक कैलोरीज को बताता है जो कैलोरीज हमें ज़रूरत होती है रोज़मर्रा की ज़िंदगी को सस्टेन करने के लिए। और इसे कैलकुलेट करने के लिए बेसिकली रिक्वायरमेंट होती है इंडिविजुअल के एज की, वेट की और हाइट की। ये इजीली हम गूगल पे टाइप करके BMR कैलकुलेटर, वहाँ से हम अपना BMR इजीली निकाल सकते हैं। तो दोस्तों, BMR कैलकुलेट करने के बाद हमारे पास एक नंबर आता है कैलोरीज पर दिन जो हमें चाहिए होती हैं, और वो आगे डिपेंड करती हैं फर्दर कैलोरीज। अगर हमारी एक्टिविटी लेवल काफ़ी हाई है तो हम उसके अच्छे एक फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करके एक कैलोरीज निकालते हैं जो हमें डेली लाइफ को मेंटेन करने के लिए, अपनी बॉडी को सस्टेन करने के लिए चाहिए होती हैं। तो दोस्तों, आगे बढ़ते हुए अब बात करते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स बेसिकली दो टाइप के न्यूट्रिएंट होते हैं, माइक्रो और मैक्रो। माइक्रो में विटामिन मिनरल्स आते हैं, मैक्रो में आते हैं प्रोटीन फैट्स कार्ब। बेसिकली ये मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हमें प्रोवाइड करते हैं कैलोरीज। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमारा वेट BMR से कैलकुलेट करने के बाद आया है 2000 कैलोरीज पर दिन। अगर हमने गेनिंग करनी है तो हम 200 या 300 कैलोरीज पर दिन उसमें ऐड ऑन करेंगे, जिससे क्या होगा, हम कैलोरी सरप्लस में जाएंगे। सिमिलरली अगर लूज़ करना है तो हमें वैसे ही कैलोरीज को कम करना होगा। अगर आपको लीन मसल गेन करना है तो बेसिकली कार्ब, प्रोटीन और फैट की जो रिक्वायरमेंट परसेंटेजेस होती हैं वो 50%, 30% और 20% रिस्पेक्टिवली होती है। तो दोस्तों, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं लीन मसल गेन की, जिसमें कार्ब, प्रोटीन और फैट की रिक्वायरमेंट 50%, 30% और 20% है। और यहाँ पे हम एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं, जैसे 2500 कैलोरी हमें एक दिन की चाहिए तो उसमें 1250 कैलोरीज कार्ब की, 750 प्रोटीन की और 500 कैलोरीज हमें फ़ैट की चाहिए होंगी। अब कैलोरीज को ग्राम्स में कन्वर्ट करना होगा, तो ग्राम्स में कन्वर्ट करने के लिए 4, 4 और 9 के फैक्टर से हमें इसे डिवाइड करके एक नंबर आ जाएगा जो कि हमारे टोटल ग्राम्स होंगे। इतने ग्राम हमें कार्ब चाहिए, इतने ग्राम प्रोटीन और इतने ग्राम फैट चाहिए। तो ये ग्राम हम कैसे पता लगा सकते हैं, कोई भी हम चीज़ खाते हैं उसके न्यूट्रिशन लेवल पे पर्टिकुलरली मेंशन होता है। जैसे हमें एक ओट मील बनाना है तो ओट्स के 100 ग्राम में कितने कार्ब, कितने प्रोटीन, कितने फैट होंगे वो वहाँ पे मेंशन होगा। हम उतने नंबर ऑफ़ मील्स बनाएंगे और उसमें इक्वली डिवाइड कर देंगे, जिससे कि हमारा डेली का गोल अचीव होगा। और जब 200 ग्राम कैलोरीज हम बढ़ा रहे हैं अपनी डेली रूटीन में, तो जब 7700 कैलोरीज बढ़ जाती हैं तो 1 किलो तक वज़न हमारा बढ़ जाता है। ऐसे ही अगर 7700 कैलोरीज कम हो तो 1 किलो तक वज़न कम हो जाता है। ओके फ्रेंड्स, ये थी पूरी इन्फॉर्मेशन हम कैसे अपना डाइट चार्ट ईजिली बना सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें।